टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस भूमिका में ये उनका चौथा कार्यकाल है। आंध्र प्रदेश के सबसे सफल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक जीवन किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आइए नजर डालते हैं टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक सफर पर। जब चंद्रबाबू नायडू को भारतीय या क्षेत्रीय राजनीति के परिदृश्य से लगभग हटा ही दिया गया था तो उनके दोबारा उबरने की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन चुनाव के दौरान एक रैली में उनकी मार्मिक अपील काम कर गई और वो विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत गए। साथ ही लोकसभा की 16 सीटें जीतकर मोदी सरकार 3.0 में अहम सहयोगी की भूमिका में भी उभरे। उनका लौटना कोई सामान्य घटना नहीं है। 13 साल 247 दिन तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने खुद को राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान नायडू की छवि एक आर्थिक सुधारक और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले नेता के रूप में रही है। उन्होंने हैदराबाद को साइबर सिटी के तौर पर डेवलप किया और राज्य के बुनियादी ढांचे यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी काफी ध्यान दिया, जिसमें नई राजधानी अमरावती का निर्माण भी शामिल है। उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा था। ऐसे में उनका सत्ता से हटना, फिर गिरफ्तारी और 52 दिनों की जेल ने उन्हें हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया था। लगभग 8 महीने पहले जब वो जेल से निकले तो शायद वो खुद पर भी इतना भरोसा नहीं कर पाए होंगे, ना ही उन्होंने कभी सोचा होगा कि वो सक्रियता के साथ राजनीति में वापस कदम रखेंगे। तभी तो उन्होंने कुरनूल की जनसभा में आंध्र प्रदेश की जनता से मार्मिक अपील की कि यदि आप मुझे और मेरी पार्टी को चुनकर विधानसभा भेजते हैं तभी आंध्र प्रदेश विकास का मुंह देख पाएगा, नहीं तो ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। इस अपील ने काम किया और जनता ने उन्हें सत्ता सौंप दी। चुनावी रण में उतरकर सत्तासीन जगन मोहन रेड्डी को शिकस्त देकर उन्होंने राज्य से लेकर राष्ट्र राजनीति के दरवाजे पर जो जोरदार दस्तक दी, उससे ये साफ तौर से साबित हो गया कि वो हकीकत में एक वास्तुकार हैं। उन्हें टूटी और बिखरी हुई चीजों को समेटकर उससे कुछ नया बनाना, नया गढ़ना अच्छा लगता है। उनकी उम्र 74 साल है। 74 साल के इस पड़ाव पर चल रहे चंद्रबाबू नायडू भारतीय राजनीति के उन चंद किरदारों में से हैं जिन्होंने अपनी एक कार्यशैली विकसित की। चंद्रबाबू नायडू का जन्म दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश के तिरुपति के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। एक किसान परिवार में उन्होंने आंखें खोली थी। वहां 5 भाई बहनों के परिवार में चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़े थे। उनके गाँव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए उन्होंने पास के शेषपुरम के सरकारी स्कूल से 5वीं और चंद्रगिरी के सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। जब वो तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स से स्नातक कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने छात्र राजनीति में पहला कदम रखा था। 1972 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई जारी रखी। 1974 में प्रोफेसर डॉक्टर डी एल नारायण के मार्गदर्शन में उन्होंने प्रोफेसर एम जी रंगा के आर्थिक विचारों के विषय पर अपनी पीएचडी पर काम किया, लेकिन पीएचडी पूरी नहीं हो पाई। शुरुआती जीवन में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। साल 1980 में चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण भारत के ख्यात अभिनेता और तेलुगु देशम के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी नारा भुवनेश्वरी से शादी की। शादी के बाद भी नायडू कांग्रेस में ही रहे। 1983 में वो पीडीपी के प्रत्याशी से विधानसभा चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर टीडीपी का हाथ थाम लिया। वहीं साल 1995 में अगस्त में नायडू ने एनटी रामाराव की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपने ससुर के खिलाफ एक सफल इंदिरा पार्टी बनाकर तख्ता पलट दिया। उसके बाद उन्हें सर्वसम्मति से तेलुगु देशम का नेता चुन लिया गया और उन्होंने एनटीआर के स्थान पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला। उन्होंने पार्टी को मजबूत करना जारी रखा और 1996 के लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम ने कुल 16 सीटें जीती। सितंबर अक्टूबर 1999 के लोकसभा चुनावों में तेलुगु देशम ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया, 29 सीटें हासिल की और एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में नायडू की प्रतिष्ठा को और भी ज्यादा मजबूती मिली। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राजग को
बिना शामिल हुए अपनी पार्टी का समर्थन दिया, जिसने 1999 और 2004 के बीच देश पर शासन किया था। इसके बाद अक्टूबर 1999 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। उस समय उन्होंने अपनी आधुनिक सोच और कार्यशैली के आधार पर हैदराबाद को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की कोशिश की थी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया था। इस दौर में उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा था, वो था कॉरपोरेट सीएम। साल 2014 और 2019 में चंद्रबाबू नायडू जगनमोहन रेड्डी की पार्टी से चुनाव हार गए थे। साल 2004 में वो फिर प्रदेश की सत्ता में लौटे। आंध्र प्रदेश से विभाजन पर तेलंगाना का गठन किए जाने के बाद वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास पर नायडू के जोर ने आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को नए निवेश के लिए भारत के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक में बदलने में काफी सहायता की। उन्हें हैदराबाद का असल वास्तुकार माना जाता है। जब ये तेलंगाना का हिस्सा बन गया तो उन्होंने हैदराबाद को टक्कर में अमरावती को विकसित कर दिया, प्रदेश में एक नई राजधानी बनाने की घोषणा की। शपथ ग्रहण से एक दिन पहले भी उन्होंने अमरावती को राजधानी बनाने की अधूरी योजना को पूरा करने के संकल्प को दोहराया है। चूंकि आंध्र प्रदेश का सरकारी खजाना खाली है, ऐसे में इस योजना के साथ उनकी सुपर सिक्स योजना कैसे पूरा करेंगे, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है।